आपने बर्फी तो खाई होगी लेकिन आपने दाल की बर्फी नहीं खाई होगी। आज हम बना रहे हैं दाल की बर्फी और वो भी चने दाल की बर्फी। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल की बर्फी। तो ये हमने चने की दाल जो ली है वो गली हुई ली है और पहले इसका पानी सुखा लेंगे। और ये गुलाब जामुन की चाशनी है, इससे हम ये बर्फी बनाने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका पानी चला लेते हैं अच्छे से चलाते हुए। इसका पानी जलाने के बाद इसे घी में अच्छे से भूनना चाहिए। तो हम पहले पानी को जला लेते हैं, उसके बाद इसमें घी डालकर अच्छे से फिर भूनेंगे। तो यहाँ दाल का पानी जल चुका है, अब इसमें डालेंगे घी और घी डालकर अच्छे से भून लेंगे। चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसे मिक्सी जार में पीसेंगे, वो भी ठंडा होने पर। तो पहले हम दाल को भून लेते हैं अच्छे से। आपने बर्फी तो खाई होगी लेकिन आपने दाल की बर्फी नहीं खाई होगी। आज हम बना रहे हैं दाल की बर्फी और वो भी चने दाल की बर्फी। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को देखें। तो ये हमारी दाल हल्की हल्की लाल पड़ पर आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी भुन चुकी है। इसको हल्की सी और भुनेंगे जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो। तो जितना आप अच्छे से भुनेंगे उतनी आपकी बर्फी अच्छी बनेगी। तो ये दाल हमारी भुनकर तैयार हो चुकी है, इसको आप ठंडा करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब ये दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये हमारी दाल अच्छे से पिस चुकी है, अब इसको एक साइड में रख लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी दाल पिसकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ ली गुलाब जामुन की चाशनी, जो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी। चाशनी को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। तो ये हल्का गुनगुना सा हो चुकी है चाशनी, अब इसमें डालेंगे जो हमने दाल पिसी हुई ली थी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को अच्छे से धीरे धीरे डालते हुए, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इससे बर्फी बनाएंगे। तो अगर आप भी दाल की प्रोटीन वाली बर्फी खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बर्फी बना सकते हैं। ये खाने में भी हेल्दी है और टेस्टी भी लगती है। आपको उसका टेस्ट अगर आप खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल मूंग दाल जैसा लगेगा। तो चलाते हुए अच्छे से चाशनी को मिक्स कर लेना है इस तरह से, और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखना है, तेज ना रखें, जिससे कि अगर आप गैस का फ्लेम तेज रखेंगे तो आपकी ये जो बर्फी है वो नीचे से जली जली हो जाएगी और उसका टेस्ट जला जला सा आएगा और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी चीज़ भूनें, ये तो मैं बर्फी भून रही हूँ, कोई भी चीज़ भूननी है तो उसे आप फ्लेम हाई फ्लेम पर ना भून कर मीडियम या स्लो ही फ्लेम पर भूनें। और इस तरह से अब मैं इसमें डालूंगी इलायची। ये अच्छे से मतलब मिल चुकी है चाशनी, और देख सकते हैं आप बर्फी जैसा इसका ये भुन भी चुकी है अच्छे से। इलायची से इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी और खाने में टेस्ट भी दुगना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इलायची मिला ली इसमें। इलायची मिलाने के बाद अब हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इलायची मिलाने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक थाली में पसाएंगे। ये थाली में हल्का हल्का हमने घी लगा लिया था और इसे इस तरह से थाली में मिला लेंगे इसी तरह से। और ये थोड़ा गर्म नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म में आपका हाथ भी जल जाएगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, अगर गर्म लगता है तो आप हल्का सा घी का हाथ लगाकर इस तरह से जैसे बर्फी जमाते हैं उस तरह से थाली में फैला लें। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल हमने दो थालियों में अच्छे से जमा लिया है। अब इसको ठंडा होने पर इसको काटेंगे और इसको बर्फी वाली शेप देंगे। तो दूसरी थाली में भी हम जैसे हमने उस थाली में बर्फी की शेप बनाकर रखा है उसी तरह से हम इस थाली में भी उसकी शेप बना लेंगे बर्फी की इस तरह से। देखिए
ये हाथ से दबा दबा कर इस तरह से बर्फी वाली शेप इसको दे देंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आपको बर्फी की शेप नहीं देनी है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू भी वैसे ही लगेंगे जैसी बर्फी है, बस शेप का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ ये मैंने बर्फी की भी थाली ये तैयार कर ली। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसा भी, और ये थोड़ी मेवा है जैसे काजू बादाम, ये मैंने हल्के हल्के पीस लिए थे, मतलब हल्के हल्के कट कर लिए थे, और उसको भी इस तरह से दबाते हुए मेवा, मतलब इसको लगा लेंगे। मेवा से टेस्ट और अच्छा आता है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसको ये हमने काजू और बादाम से कर दिया डेकोरेट। डेकोरेट करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम बाद में काजू बादाम लगाएंगे तो वो बर्फ़ी में जो है वो निकल कर अलग हो जाएंगे, और इस तरह से गरम गरम में हम इस तरह से लगा देंगे तो वहीं के वहीं चिपक जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये हमने बर्फ़ी वाली शेप में कटिंग कर ली है, और हम आप भी आपको कटिंग करने के बाद निकाल कर दिखाएंगे। बिल्कुल बर्फ़ी जैसी शेप में हमने इसको काट लिया है, और इस सबसे बेनिफिट वाली बात है ये आपकी 10 से 15 दिन तक आप इजीली रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होती है। और आप अगर बच्चों को नाश्ते में अगर आप मॉर्निंग में दे रहे हैं ये ब्रेकफास्ट के तौर पर थोड़ी थोड़ी, तो आपके बच्चों के पेट जैसी समस्या, कब्ज़ जैसी समस्या नहीं रहेगी। तो ये बर्फ़ी हेल्दी भी है और कब्ज़ जैसी समस्या नहीं होगी, आपके बच्चों का पेट साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो भूख भी लगेगी। तो इसलिए आप इसे ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, दूध के साथ बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है। हमने दाल से बनाई है ये बर्फ़ी, तो आप समझ सकते हैं दाल से जब बर्फ़ी बनी है तो जाहिर सी बात है उसमें विटामिन आयरन अच्छी मात्रा में है। तो आप भी इस तरह से बर्फ़ी बनाकर अपने बच्चों को और आप खुद भी खा सकते हैं। ये आपके लिए भी हेल्दी है, आपके बच्चों के लिए हेल्दी तो है ही, और साथ के साथ आपके लिए भी हेल्दी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसी ही रेसिपी अगर आपको बनवानी है हेल्दी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हेल्दी रेसिपी और कौन कौन सी चाहिए, वो हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, हिमश्री लाइफस्टाइल और ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।